देश दुनिया में कोरोना का खतरा। सैटेलाइट इमेज में दिखी चीन में शमशानों के बाहर गाड़ियों की लाइन। जापान में 24 घंटे में 1,00,000 से ज्यादा केस मिले। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच एक सैटेलाइट इमेज सामने आई है जो चीन में हो रही मौतों की असलियत दिखा रही है। इस इमेज को अमेरिकी मैक्सार टेक्नोलॉजीज कंपनी ने जारी किया है। इसमें तांगचान शहर के एक शमशान के बाहर लगी गाड़ियों की लाइन दिख रही है। दरअसल चीन के शमशानों में लाशों का अंबार लगा है जिसके चलते वहाँ वेटिंग चल रही है। इधर जापान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार 11 जनवरी को 1,98,873 मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी टोक्यो में 16,772 मामले सामने आए हैं। मौत का कुल आंकड़ा 381 रहा। 656 नए लोग अस्पताल में भर्ती हुए। इसके पहले एक्सपर्ट्स ने वार्निंग जारी की थी। उनका कहना है कि जापान में 15 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में उछाल आ सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को कहा कि कोविड की चौथी लहर के खतरे को ध्यान में रखते हुए हम बंदरगाह को ट्रेस कर रहे हैं। अब तक 8,700 फ्लाइट्स को ट्रेस किया जा चुका है। 1,500,000 से अधिक यात्रियों का पता लगाया गया है और उनमें से 200 से अधिक यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।